इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हम अमेज़न को कितने पैसों से शुरू कर सकते हैं। हर एक इंसान का अपना एक बजट होता है। सो अगर आपने प्राइवेट लेबल करना है जेनेरिक में, तो आप ओनली $39 प्रोफेशनल अकाउंट के पे करते हो मंथली, जंगल स्काउट को $59 मंथली पे करते हो, एंड प्रोडक्ट डिपेंड करता है। अगर अलीबाबा से प्रोडक्ट लेते हो सकता है वो प्रोडक्ट $1 का हो, या हो सकता है वो प्रोडक्ट जो है 50 सेंट का। अगर आप 100 पीसेस से शुरू कर सकते हो, आप 200 से, आप छोटे से शुरू कर सकते हो, आप $300 से लेके 700 हज़ार के बीच में भी शुरू कर सकते हो, और आप $0 से भी शुरू कर सकते हो। $0 से कैसे? अगर आप अमेज़न FBM करते हो, अगर उस मुल्क में अमेज़न FBM अगर अमेज़न का वेयर हाउस है, ठीक है, तो आप $0 से आपको इन्वेंटोरी बाई करने की ज़रूरत नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। लिस्ट करोगे, जब ऑर्डर आएगा आप बाय करोगे कस्टमर के लिए, स्टिल आप इन्वेस्टमेंट करते हो लेकिन वो प्रोडक्ट आप बाय करते हो। लेकिन जब बात अमेज़न FBA की होती है, तो आप छोटे से शुरू कर सकते हो, 1000-2000 डिपेंड करता है। आप 700 के बीच में होलसेल भी शुरू कर सकते हो। आप जाके बच्चों के कोलगेट ब्रशेस बाय करो, 100 पीसेस से शुरू करो। ये स्टेप प्रोसेस होता है। आपको हमेशा, हम स्टार्ट छोटे से लेंगे लेकिन हमारा एंड हमेशा बड़ा होगा। हम पेंसिल से शुरू कर सकते हैं, हम आई लैशेस से शुरू कर सकते हैं, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, हम बच्चों का खेलने का सेंट से शुरू कर सकते हैं। अगर प्राइवेट लेबल करना है, ठीक है, सो प्राइवेट लेबल को के लिए आपको PPC कैंपेन चलाना पड़ता है। वो आप $1 डेली भी रख सकते हो, $2, बट द बेस्ट वे कि अगर आपके पास बजट कम है, लेट्स से आपके पास $1000 है या 500 है, आप प्राइवेट लेबल मत करो, क्योंकि प्राइवेट लेबल के लिए आप PPC कैंपेन चलाओगे, राइट। द बेस्ट वे कि आप होलसेल शुरू करो। होलसेल और प्राइवेट लेबल में क्या फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ। प्राइवेट लेबल में ये है कि हमें PPC कैंपेन चलाना पड़ता है, हमें पुश करना होता है लोगों के सामने। होलसेल में हमें PPC कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं, ये प्रोडक्ट ह्यूमन नेचर है। लेट्स से मैं खुद सेंसोडाइन टूथपेस्ट यूज़ करता हूँ, अगर मेरा सेंसोडाइन टूथपेस्ट ख़त्म हो जाए तो मैं कोलगेट नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो टूथपेस्ट मैं यूज़ करता हूँ। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर है कि वो टूथपेस्ट मुझे चाहिए। अगर मैं शैम्पू जो है हेड एंड शोल्डर का यूज़ करता हूँ, ठीक है, अब अगर मेरा शैम्पू ख़त्म हो जाए, मैं पैंटीन नहीं लेता, मैं सीधा जाके अमेज़न से हेड एंड शोल्डर ऑर्डर कर लेता हूँ। ह्यूमन बिहेवियर है। प्लस ये जितनी भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कोलगेट, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है स्पेंड करते हैं यूट्यूब पे, बिलबोर्ड्स पे, अपने प्रोडक्ट को पुश करते हैं। और ये प्रोडक्ट अरसे से होता है, लोग, एक नाम होता है इनका। जैसे आप अमेज़न पे जाओगे अपना नाम बनाओगे, ऐसे ही इन लोगों ने अपना नाम बना लिया है, इनका नाम बिकता है। समझ में आ रहा है? सो अगर आप होलसेल पे जाते हो, 500 से 700 से शुरू करना है, आप टूथपेस्ट से शुरू कर सकते हो, आप साबुन से, आप आई क्रीम से, आप बच्चों के ब्रशेस से शुरू कर सकते हो, चाहे कोलगेट है, जो भी जाना माना ब्रांड है। मेरा सजेशन ये है कि अगर आपकी बजट 700 से 1000 तक है, आप होलसेल, अगर आपका बजट बड़ा भी है फिर भी होलसेल करो। होलसेल में ये है कि आपको PPC कैंपेन चलाना नहीं पड़ता, आपको अपने प्रोडक्ट को पुश करना नहीं पड़ता, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी है। और ये कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इसके पीछे इन्होंने एक एफर्ट किया है, और ज़माने से लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, पीपल आर यूज्ड टू इट। सो अब आईफोन है, आईफोन हर कोई जानता है, और होलसेल में ये है कि आपको रिव्यूज़ का कोई टेंशन नहीं होगा। रिव्यूज़, आप आईफोन यूज़ करते हो, मैं, कभी आपने आईफोन को बैड रिव्यू दिया है? नो। ह्यूमन बिहेवियर है, लोग, नाम है इनका, एक एतमाद है मार्केट में, ये है पहले से। सो अगर आपने प्राइवेट लेबल करना है, प्राइवेट लेबल इज़ गुड थिंग कि अपना एक नाम बनाता है, लोग, बड़ा विजन होता है। लेकिन उसके लिए है कि आपको डेली जो है PPC बिड लगाना पड़ता है, अगर आपके पास है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन हो सकता है कि आप में से किसी की इतनी बजट नहीं हो कि आप जो है नहीं चाहते कि PPC कैंपेन नहीं चलाए, दैन द बेस्ट वे फॉर यू टू स्टार्ट होलसेल, $300 से भी शुरू कर सकते हो, 700 से भी, 1000 से भी, एंड इवन तो अगर आपके पास 300 भी नहीं है, देन FBM करो, स्टार्ट विद नो मनी से शुरू करो, वहाँ से जो पैसा आ रहा है ऑर्डर से, फिर उसे
FBA में जो है आप आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्ट करते जाइए। यही तरीका है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, शुरू स्टार्ट से ये बेबी स्टेप लो, बेबी स्टेप लोगे तब आप आगे जाओगे। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, जाके ये कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से, जाने माने मार्केट से जाके उसको ऐड करें एंड वहाँ से कैपिटल ले एज अ ड्रॉप शिपिंग, ऐसा कर सकते हो। FBM भी अच्छा है, लेकिन जिन लोगों के पास इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, अगेन बता रहा हूँ, स्टार्ट चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर एक इंसान का मंजिल एक है। और हमारा मंजिल यह है कि हमने एक मकाम तक अपने कारोबार को ले जाना है। एक प्रोडक्ट से शुरू करो। अमेज़ॉन पे ऐसे लोग हैं जो ओनली वन प्रोडक्ट सेल करते हैं, सोफ़ा। अमेज़ॉन पे ऐसे लोग हैं जो वन प्रोडक्ट सेल करते हैं, TV। सो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट का कैटेगरी है कि आप कौन सा प्रोडक्ट सेल करते हो। स्टेप बाय स्टेप जाओ, आहिस्ता जाओ, मेक श्योर करो, और प्रोडक्ट सेलेक्शन में हमेशा लाइक टेक केयर करो, BSR देखो कि कितना कम हो, क्योंकि आपको स्टार्ट में वो फ्लो चाहिए कैश का। एंड रिमेंबर दैट, कभी भी दिल छोटा मत करो। मैंने जब अमेज़ॉन शुरू किया, मुझे 6 महीने 0 सेल, कुछ सेल नहीं था। मैं भी तुम्हारी तरह ही था कि नहीं यार, अमेज़ॉन तो नहीं है, बट नो, गिव अप कभी नहीं करना। फेसबुक पे भी सेल करता था, ड्रॉप शिपिंग भी, सब कुछ। आप भी करो, $200 है, 200 से शुरू करो, एक प्रोडक्ट लॉन्च करो, लेकिन लॉन्च करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। थैंक यू।